हेलो फ्रेंड्स, तो हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक नई वीडियो फिर से, और हम इस मिनी पल को चालू करते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि शार्पियो में शेप कैसे डाल लेते हैं, शार्पियो को पैटर्न में कैसे चलाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पैचिंग करेंगे और जाएंगे पैच बटन पे और हम शार्पियो को पैच करेंगे। इसमें पैच फिक्सर लेंगे, पेज फिक्सर में जो हम शार्पी चला रहे हैं उसकी हम फाइल ढूंढेंगे, जो शार्पी की फाइल है वो कौन सी है। ये हमारी 7R सुपर है और हम क्वांटिटी के हिसाब से इसे पेचिंग करेंगे। 5 नंबर पे लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये 8 शार्पी मैंने पेचिंग कर ली है। हम एक्सीडेंट क्लियर करके बाहर आएंगे। बाहर आके हम इन्हें चेक करेंगे एक एक करके। देखिए, आज आपको मैं लाइव शो में आपको सीधा बता रहा हूँ। तो मैं ये पहले ही पैचिंग कर चुका हूँ, इसलिए आपको सेम उसी तरीके से बताऊँगा। ये देखिए, एक से हम लोकेट करेंगे। ये हमारी एक शार्पी सीधी हो चुकी है लोकेट। दूसरी, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और हम इन्हें सीधा लोकेट करेंगे। लोकेट से ये अपनी सीधा पोजीशन पे आ जाती हैं। अब हम इन्हें टिल करेंगे, आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, सारी वर्क कर रही हैं। बाहर की साइड आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए, हमारी पूरी शार्पियाँ आ चुकी हैं। ये हमारी पैचिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जाएंगे शेप बटन पे और इसमें प्लेबैक एंड शेप, और हम टिल पेन का शेप बनाएंगे। तो हम सर्कल इवन में चलते हैं। उसको करने के बाद ये देखिए, अपना ये शेप आ चुका है। अब हम चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं, कितना हमें इसका साइज़ बढ़ाना है। अगर आपको लग रहा है कि ये कम जगह में चल रही है, तो आप इसका साइज़ बढ़ा के इसे, ये देखिए, साइज़ बढ़ा के इसे और बड़ा कर सकते हैं। फिर दूसरा इसका ऑप्शन स्पीड का आता है, जो कि डिफ़ॉल्ट में 64 देती है। आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी कर सकती हैं। सबसे फास्ट करेंगे तो ये ऐसी चलेंगी। अब यहाँ पे स्पीड की डिग्री आती है, आपको किस एंगल से चलानी है। ये नन करेंगे तो ये सारी एक साथ चलेंगी। नन के बाद हम इन्हें 1 नंबर पे करेंगे तो ये इवन ऑड में चलेंगी। जैसे 8 है तो 4 एक साथ इवन करेंगे तो ये इवन 1 by 1 एक के पीछे एक साथ चलेंगे। ये हमारा शेप बन चुका है। अब हमें इसे सेव करके आपको दिखाऊंगा, जिसके लिए आप क्यू बटन दबा के और स्वाइप बटन का ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है उस पर क्लिक करके ये आपका फेडर पे ले चुके हैं। देखिए, फेडर उठाएंगे, ये अपना शेप कंप्लीट है। ये बंद करके आपको एक बार और चेक कराता हूँ। देखिए, शेप हमारा बन चुका है। इसी तरीके से आप पूरे शेप बना सकते हैं जैसे चाहे वैसे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मिनी पल में कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी प्रकार की सेटिंग की कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।